प्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ा। तो चलिए सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम नायाब है, जबरदस्त है और इसकी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता, इतना यूनिक प्लान है। और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है विदाउट विड्रॉल बटन। ये सिस्टम आपके जितने भी इनकम है, वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, एक्टिव पैसिव इनकम, वो सारा आपके ट्रस्ट वॉलेट पे क्रेडिट कर देता है। तो यहाँ पर कहीं भी होल्डिंग नहीं होता है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, जितने भी हमारे नेटवर्कर भाई हैं, उनकी समस्या होती है कि वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका पैसा फंस जाता है। तो उस चीज को लेकर के आप यहाँ बेफिक्र रहिए, आपका यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं होने वाला है। सिस्टम अपने खाते में कुछ नहीं करता है। बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से फुल्ली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। ये नॉन एडिटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एडिट नहीं किया जा सकता है किसी प्रकार से, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के भी अधीन ये काम नहीं करता है। ब्लॉकचेन बना करके बेसिस स्कैन पर डाल दिया गया है, पूरी तरह से वेरीफाइड इसका ब्लॉकचेन है और आप इस पर स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं। सिस्टम में बीएनबी के माध्यम से आईडी लगती है और आपको बीएनबी कमाने को मिलता है। तो आज के डेट में हजारों क्रिप्टो करेंसी है जिसमें टॉप में हमारे बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी है, जो टॉप मोस्ट अपना मार्केट में इन्फ्लुएंस रखते हैं, दबदबा रखते हैं। तो उसमें से टॉप थ्री जो आपको बीएनबी है, वो आपको इस सिस्टम के माध्यम से कमाने को मिल रहा है। इसमें दो प्रकार के इनकम है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम वो बोलते हैं दोस्तों जो आप अपना समय देते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, यानी कि जब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो उस सेक्शन में आपको यहाँ पे E3 प्लस दिख रहा है, वन वर्किंग, इसी में काम करना है। हमारा जो भी प्रोग्राम है, एक से लेकर 13 स्लॉट का वर्किंग जोन है, उस एक से 13 स्लॉट को आपको अपग्रेड करना है लाइफ में एक बार। और जब आप कर लेंगे तो लोगों को कराना है, आप जब जब लोगों को कराएंगे तब तब आपको पैसा आएगा। तो ये वर्किंग जोन है, उसी वर्किंग जोन में काम करके आपको ये चार प्रकार की नॉन वर्किंग इनकम मिलेगी। पहला E5 है जिसमें आपको 7.2 बीएनबी मिलेंगे, ये पहले दूसरे तीसरे लेवल पे एक्टिव होता है। दूसरा नॉन वर्किंग है जिसमें 144 बीएनबी, INR में बात करें तो लगभग 36 लाख रुपए बनते हैं। अगर एक बीएनबी का प्राइस 25,000 भी हुआ तो भी आपको यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। यहाँ पर पांचवे लेवल पे ये एक्टिव होता है। जब आप अपना लेवल को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, उस लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग पैसिव इनकम का भी सोर्स बढ़ता जाता है। तीसरा है EG4, यहाँ पर आपको 610 बीएनबी का पैकेज मिलता है। ये 610 बीएनबी आपको हो सकता है 5 साल, 6 साल, 10 साल में भी आए, लेकिन ये 610 बीएनबी का कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 1.5 करोड़ का पैकेज है। और मजे की बात है, इस सिस्टम में रीजनरेशन का एक मशीन लगाया गया है। आपको जब तक ये पैसे मिलेंगे, एक एक आईडी अपने पीछे पीछे 16-16 नई आईडिया रीजनरेट करके आपको अगेन 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 पैसा बना के देती रहेंगी। तो लाइफ टाइम इस सिस्टम से आप पैसा बना सकते हैं, ऐसा जबरदस्त सिस्टम आपको मिला है। फाइनली हमारे सिस्टम का तीसरा और प्रीमियम क्वालिटी का ऑटो पुल है, जिसको E3 प्रीमियम बोलते हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स पे काम करता है और 5 किस्तों में आपको 300 बीएनबी देता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 किस्तों में, 5, 10, 15, 35, 235। अगर आप इसको एक एक साल में ही माने तो भी 5 साल में 90 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ के आसपास आपको ये पैकेज बना के देता है दोस्तों। तो बहुत जबरदस्त ये सिस्टम है। स्टार्टिंग बहुत कम से किया जा सकता है इस सिस्टम में, मिनिमम चार्ज है, कोई भी कम से कम में भी स्टार्ट कर सकता है और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इसमें आ सकता है, काम करके बड़ा बन सकता है छोटा व्यक्ति, और जो बड़े हैं वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, इनकम को आप बड़ा कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर है, जो काम नहीं करने वाले, उनके लिए भी यहाँ पैकेज है, जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पैकेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम को, कैसे आप इतना बीएनबी कमा सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट, 0.01 बीएनबी से स्टार्टअप है। आज के डेट में देखा है तो 300-400 रुपए से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे चल करके इस सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर 50,000 भी बीएनबी का रेट होता है तो भी आप इसको आराम से सिस्टम में इनरोल हो सकते हैं। 1 लाख भी होगा तो भी 1,000 में कर सकते हैं, 5 लाख भी होगा तो भी आप 5,000 में इस सिस्टम में आ सकते हैं। बीएनबी का प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ता भी है तो भी आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक बार आप सिस्टम में घुस गए तो लोगों को लाते लाते आप इतना बड़ा अर्निंग सोर्स आपके पास हो जाएगा कि पैकेज अपने आप बाई कर सकते हैं।
तो ये सिस्टम जैसे ही आप आते हैं आपको एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों मिलता है। आपका 0.01 दो भागों में बढ़ जाता है, एक वर्किंग पैनल में चला जाता है, एक नॉन वर्किंग में चला जाता है। वर्किंग वाला आपके अपलाइन को चला जाता है, जो प्रॉफिट जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया। एक नॉन वर्किंग आपको मिल जाता है क्योंकि आप इस सिस्टम में आए, आपको भी बेनिफिट चाहिए। तो आपको यहाँ पर 7.2 BNB का एक ऑटोपुल मिल जाता है, जो मैंने सबसे पहला ऑटोपुल बताया E5, ठीक है। तो E5 से आपको 7.2 BNB मिलते हैं। एक BNB अगर 25,000 का भी रेट माना जाए तो 1,80,000 का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर बैंक में भी आप डाले 500 रुपए तो आपको 10 सालों में डबल होगा, 500 का 1,000 मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ सिस्टम में डाल दिए तो इस सिस्टम में अपने आप ऑटो पायलट पर सिस्टम अपग्रेड होता है। लोग आते हैं दुनिया के काम करने से, यहाँ पे ग्लोबल ऑटो पूल इनकम बनती है, वो आपको 1,80,000 रुपये देने वाली है। मैं कहता हूँ 5 साल 6 साल में भी आए तो कोई नुकसान नहीं है। ये 6 किस्तों में आता है, और 6 किस्तों में कैसे आएगा, पूरी दुनिया के काम करने से। ये सिस्टम 5x5 की मैट्रिक्स पे काम करता है, ग्लोबल ऑटो पूल। तो जब दुनिया से 5 लोग आएंगे, उनमें से दूसरे और चौथे व्यक्ति का फंड आपको मिल जाएगा, और पहला तीसरा पांचवा वो चला जाएगा वहां के अपलाइन को जो आपसे पहले आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको पहला राउंड में ही आपका मूलधन 0.01 BNB वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। हो सकता है ये प्रोसेस होने में टाइम लगे, 6 महीना साल भर लगता है, तो घबराने का बात नहीं है। ये नॉन वर्किंग है, फ्यूचर में आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। दूसरा किस्त भी सेम इसी पैटर्न पे ग्लोबली, जब 5 लोग 5 के नीचे 25 आएंगे तो वहां से आपको फिर इनकम आनी है, तो यहाँ पर आपको 0.03 BNB मिलेगा। जब तीसरा राउंड आएगा तो यहाँ पे आपको देखिए 4 नई आइडिया रीजनरेट होती है। BNB तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 नई आइडिया यहाँ पे रीजनरेट भी होनी शुरू हो जाती है। तो जब तक एक आईडी कंप्लीट होगा, 7.2 BNB आपको 6 किस्तों में मिलेंगे, तब तक आपकी 16 नई आइडिया फिर जनरेट, उसमें भी सेम प्रोसेस, फिर पैसा आएगा। तो एक आईडी से 7.2 BNB तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपकी 16 नई आइडिया फिर रीजनरेट हो जाती है। तो सोचिए एक एक आईडी कंप्लीट होगा तो 16 गुना रिटर्न मिलेगा। वो 16 जब कंप्लीट होंगे तो अपने पीछे पीछे भी 16 16 जनरेट हो जाएंगे। तो इस सिस्टम काफी नायाब है, यूनिक है, रीजनरेशन का इसमें तड़का लगाया गया है और जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। मैकेनिज्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पूरी दुनिया के काम करने से ये बेनिफिट आपको मिलता है। थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, लंबा है, लेकिन आपको पैसिव इनकम यहाँ मिलता है। आपको बैंकों से आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। तो ये पूरे दुनिया के काम करने से ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इस बात को आप समझिए, ये पैसिव इनकम है जो समय के साथ आपको मिलने वाला है। तो आपने देखा कि ये हमने ज्वाइन हुआ तो एक मिला, जब आप काम करेंगे ना तो ऐसे ऐसे कई सारे मल्टीपल ऑटो पूल्स आपको मिलने वाले हैं। तो सिस्टम में हमारे काम करने से क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म लगाया गया है, आपके काम करने से ऐसे ऐसे कई सारे मल्टीपल ऑटो पूल मिलेंगे, और मल्टीपल ऑटो पूल मिलेंगे तो हर बार समय के साथ आपको मल्टीपल टाइम इनकम भी मिलेगा। अभी आते हैं कि अब आपने सिस्टम में आ गए, लोगों को लाए तो इनकम कैसे मिलेगा। तो इनकम के लिए हमारे सिस्टम ने एक साइकिल बनाया है, एक ही तरह का पैटर्न इनकम नहीं है। आपको यहाँ पे 4 चीजें समझनी पड़ेगी, आप इस एक साइकिल को समझिएगा। अभी मैं आपको एक साइकिल दिखाने जा रहा हूँ, उस साइकिल को समझ करके आप अपने इनकम को जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे मिलेगा। एक साइकिल में 4 लोग होते हैं, और 4 में से पहला व्यक्ति जो आएगा वो आपको ग्लोबल ऑटो पूल इनकम लेके जाएगा। तो जो भी व्यक्ति आता है वो पहला पोजीशन पे आएगा, तो आपकी एक आईडी पहले से थी E5 में, एक आईडी और ऐड हो जाएगी। जहां एक आईडी 7.2 BNB मिलता है, अब वो अगेन 7.2 BNB और जुड़ जाएगा। जहां 1,80,000 मिलता है, वो 3,60,000 मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया ना डबल प्रॉफिट। एक आदमी को जोड़ने से आपको, सोचिए आपने केवल 500 रुपए ही लगाए तो भी आपको यहाँ पे फ्यूचर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट मिल गया, आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिटर्न अब डबल हो गया। तो ऐसे ऐसे कई सारे मल्टीपल ऑटो पूल आपको मिलने वाले हैं। पहली चीज, पहला पोजिशन पे आया तो ऑटो पूल मिला, दूसरा और तीसरा पोजिशन पे जो भी ज्वाइन होगा पर्सन, वो आपको 100% पूरा का पूरा BNB यानी 0.005 हर एक व्यक्ति से, दोनों से आपको मिल जाएगा। और चौथे पोजीशन पे जो भी व्यक्ति आएगा उसका री इन्वेस्ट होकर के आपके अपलाइन को चला जाएगा। शुरुआत के 3 लोगों से आपके अपलाइन को कोई बेनिफिट नहीं है, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया, तो आपका चौथा व्यक्ति आपके अपलाइन को चला जाएगा।
ध्यान बस इतना रखना है कि आपके चार लोग हो गए तो आपको लेवल अपग्रेड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत के चार लोगों से जितने फंड आपको मिले 0.01, दो लोगों से मिला 0.005, तो वो 0.01 से आप नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लीजिए। बिजनेस तभी बढ़ता है जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। पैसा आप नहीं लगाएंगे, निकालते रहेंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, शुरुआत होते ही खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस में और पैसा डालिए और बिजनेस को बड़ा बनाइए। अभी जहां पर आप केवल एक लेवल पे पैसे लोगों को लाते थे, अब वो एक और दो दोनों में ला सकते हैं। अभी आपका बिजनेस एक्सपेंड हो गया, तो अभी जब दूसरे लेवल पे लोगों को लाएंगे तो वहां पे भी अलग से आपको इनकम मिलेगी। पहला का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया आपने, दूसरा में देखिए कि पहला में जो 100% पूरा का पूरा चला जाता था ग्लोबल ऑटोपूल को खोलने में, अभी यहाँ पर दूसरे पोजिशन पर जो भी आएगा उसमें से बीएनबी 50% का बीएनबी मिल जाएगा और 50% से आपको ग्लोबल ऑटोपूल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको E5 की एक और आईडी खुल गई, तो जो दो आईडी थी वो तीन आईडी बन गई, फिर से आपका पैसिव इनकम बढ़ गया, फिर से आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया। दूसरे पोजीशन पर जो भी लोग आएंगे वो आपको पूरा का पूरा जितना स्लॉट से अपग्रेडेशन होगा 100% आपको स्लॉट देंगे, जो भी अमाउंट होगा स्लॉट का। आप इमेजिन करिए, आपने 1 से 13 स्लॉट तक अगर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप गए तो पहले पोजीशन पे ऑटोपुल खुलेगा, बचा हुआ फंड आपको मिल जाएगा। दूसरे पोजीशन पे जो भी आएगा 100% आपको इनकम मिलना है, 100%। अब 0.01 से रिलेट मत करिए, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों लाखों रुपए की इनकम है। आप देखिए छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां 25 BNB तक यहाँ पे अपग्रेडेशन है। तो 25 BNB जब अपग्रेड करेगा तो आपको हर व्यक्ति 25 BNB 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 100% में हर दूसरा व्यक्ति 100% जितना BNB से अपग्रेड करेगा उतना आपके खाते में चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति से आपको यहाँ पर 50% इनकम मिल रहा है। पहले स्लॉट में हमने देखा था 100%, लेकिन दूसरे स्लॉट में यहाँ पे 50% आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड अपलाइन के लिए भी 50% रखा गया है। इससे क्या होगा कि आपकी टीम को डेवलपमेंट में आसानी होगी। तो 50% आपको मिल जाएगा, बाकी 50% आपके सेकंड अपलाइन को चला जाएगा। ये जो 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला पांचवा छठा में पूरा का पूरा 100% आप ही को मिलेगा। सेकंड अपलाइन के लिए पहला पांचवा छठा स्लॉट में इनको बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो आपने देखा, ये रिलेट कर लीजिएगा पूरा 1 से 13 स्लॉट में, सभी में ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला पांचवा छठा में हर तीसरा व्यक्ति 100% इनकम आप ही को देके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। और चौथा व्यक्ति 100% आपके अपलाइन को चला जाता है। बस सिस्टम में ध्यान देना है ये है कि आप जो भी टॉप पोजीशन में हैं, अगर आप टॉप पोजीशन में हैं, आपका लेवल अगर आठवां है तो सातवें लेवल तक आप अनलिमिटेड लोगों को ला सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। ये सिस्टम विदाउट लिमिटेशन काम करता है, आप जितने चाहे उतने ला सकते हैं। बट जैसे ही आपको सातवें आठवें लेवल में चार लोग हुए, आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लेना है आठवें से नौवां स्लॉट में, ठीक है। फिर अब आप आठवें में अनलिमिटेड लोग ला सकते हैं। और मजे की बात, आठवें स्लॉट में आप जब हैं तो वहां पर आप जैसे ही चार लोगों को लाएंगे तो उन चारों से आपको इतना इनकम मिल जाएगा कि आपको नौवां स्लॉट करने के लिए अलग से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सिस्टम में इस तरह से डिजाइनिंग किया गया है कि आपके, जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने चार लोगों को सिस्टम में लाया तो चार में से पहला से 50% मिला 0.005, दूसरा से 100% यानी 0.01, तीसरा से 50% यानी टोटल हमको 0.02 से 0.02 इनकम मिला। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल 0.02 का हो गया। अभी इस लेवल से हम अपग्रेड करेंगे, चार लोग यहाँ भी आएंगे तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। तो इस तरह से हर बार हमको लेवल अपग्रेड करने के लिए सफिशियंट फंड मिल जाता है। तो आप चाहे आपके पास फंड ना हो बैकग्राउंड में, तो आप सिस्टम में काम करके भी बड़ा लेवल अचीवमेंट कर सकते हैं। हालांकि एक ही साइकिल का पैसा आपको देना है सिस्टम में, लेकिन बचा हुआ फंड तो आप भी रख सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो एक बार आपको सिस्टम में 12-13 लेवल जाना है, उसके बाद आप जितने भी लोगों को लाएंगे, जितने भी स्लॉट अपग्रेड कराएंगे, सारा फंड तो आप ही को रखना है। सिस्टम को इसमें कुछ नहीं जाता है, जो भी वर्किंग पैनल है उसमें से सिस्टम के खाते में कुछ नहीं जाता है। बोलिएगा तो फिर सिस्टम को प्रॉफिट कहाँ पे? सिस्टम को प्रॉफिट है ऑटोपुल में, जो ग्लोबल ऑटोपुल जाता है वो सिस्टम को भी पहले मिलता है, क्योंकि उसने पहली आईडी लगाई थी तो उसमें उनको पहले जाता है,
जो भी ग्लोबल अटापुल होगा तो उनका भी पोर्टफोलियो बढ़ेगा, उनका पैसिव इनकम बढ़ेगा, तो उससे वो संतुष्ट है। हमारे वर्किंग जोन से उनको कोई पैसा नहीं जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम एक चार्ट देखते हैं, उस चार्ट में आपको बताया गया है कि पहले व्यक्ति से आपको कितना पैसा मिलेगा, दूसरे से कितना, तीसरे से कितना, चौथे से कितना। एग्जैक्टली आपको सेम अमाउंट मिलेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। हर बार जब भी आप स्लॉट पे लगाएंगे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर मेरा पहले पोजीशन पे लोग आए तो कितना पैसा मिलेगा, दूसरे पे आए तो कितना मिलेगा, तीसरे पे आए तो कितना मिलेगा, चौथे पे आए तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो भी आएगा, अगर आपने मान लो तो 13 स्लॉट पूरा कर लिया है, तो पहला व्यक्ति को 13 स्लॉट कराएंगे तो उसके 13 स्लॉट में लगभग 51.175 बीएनबी लगेगा। उसमें से 16.92 बीएनबी डिडक्ट करके मल्टीपल ऑटोपुल बनेंगे, जिसमें से E5 के 4 अकाउंट खुलेंगे, E5 प्लस के 17 अकाउंट खुलेंगे, EG4 का 1 अकाउंट खुलेगा, E3 प्रीमियम का 3 अकाउंट खुलेगा। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल में अलग अलग स्तर पे अलग अलग ऑटोपुल खुलते जाते हैं। तो जितना बड़ा लेवल पे जाएंगे उतनी बड़ी आपको अचीवमेंट मिलती जाएगी। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं हमारे पास पहले व्यक्ति को कराने के बाद भी 34.255 बीएनबी बचता है। तो 51.175 का 34.255 करेंगे तो लगभग 70% अमाउंट तो हमारे पास ही बचा, बाकी जो फंड था वो ग्लोबल ऑटोपुल में बटा, प्लस फ्यूचर में हमको उसका बेनिफिट लगभग 10 CR के आसपास हमारा पोर्टफोलियो पैसिव इनकम का बन जाता है। तो एक व्यक्ति को भी अगर आपने 13 स्लॉट ला दिया तो आपका लाइफ जबरदस्त हो सकता है आने वाले समय में। तो ये अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं आप, इतना खुद का एक आईडी डाल करके, अपना ही एक आईडी नीचे भी डाल करके, इस तरह से भी आप अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं। प्लस जब आप लोगों को लाते हैं तो हर दूसरा व्यक्ति पूरा का पूरा 51.175 बीएनबी आपको 100% बेनिफिट देके जाता है। सिस्टम में जब तीसरे व्यक्ति को लाते हैं तो वहां से 50% आपके सेकंड अपलाइन को चला जाता है 25.435, बाकी 50% आपको मिल जाता है। तो अगर आपने सिस्टम में कितना भी इन्वेस्टमेंट किया, हम कहते हैं 13 स्लॉट तक जाते जाते लगभग आपका लगभग 12-13 लाख का खर्चा होता है। अगर आपने उतना खर्चा किया और दो लोगों को भी करा दिया तो 13 लाख, यानी दूसरे व्यक्ति से पूरा 13 लाख आपका मूलधन बाहर, पहले व्यक्ति से 70%, यानी लगभग 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख करीबन आपको मिल जाएगा, बाकी का ऑटोपुल खुल जाएगा। तो ये आपका 100% तो मिल गया आपका मूलधन, प्लस बेनिफिट मिल गया, प्लस ऑटोपुल मिल गया जो फ्यूचर में आपको आएगा। अगर आपने तीसरे व्यक्ति को लगाया तो वहां से भी 50%, कोई अपग्रेडेशन नहीं करना है, पूरा का पूरा फंड आपके जेब में रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने लोगों का लगवाया भी तो आपका मूलधन तो बाहर हो गया, लायबिलिटी फ्री बिजनेस आपका, प्लस प्रॉफिट, और वो भी डबल से ज्यादा, और जो फ्यूचर में आएगा वो कई गुना बेटर रहेगा। तो ये सिस्टम जितने भी आज के नेटवर्कर हैं उनको समझना चाहिए, यहाँ पे लायबिलिटी फ्री बिजनेस हम आपको दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर छिपा हुआ चीज नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर आधारित है, एक भी डेटा आपको मिस नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज सिक्योर, और सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट पर क्रेडिट हो जाएगा। सिस्टम में हर चौथा व्यक्ति आपके अपलाइन पर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये भी है कि आपने जितने लोगों को सिस्टम में लाए हैं उनका हर चौथे व्यक्ति आपको भी तो आएगा। ठीक है, तो उससे आपको भी 100% इनकम मिलने वाली है, उनका हर स्लॉट का हर चौथा व्यक्ति आपको मिलने वाला है। तो जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट रहेंगे उतना ज्यादा आपको पैसिव इनकम नीचे से भी, टीम से भी मिलने वाली है। और सेकंड लाइफलाइन पे जाता है, इसका मतलब ये भी कि आपके सेकंड लेवल में भी 50% हर तीसरे व्यक्ति से आएगा, तो इससे भी आपको बहुत बड़ा इनकम जनरेट होता है। तो सिस्टम में ये एक साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, एक साइकिल में भी आप देखिए 111 बीएनबी आपको इनकम मिलती है। आपने लगाया कितना, 51 बीएनबी, लगभग आपको 111 बीएनबी का प्रॉफिट हो गया मात्र 4 लोगों के लाने से। तो सोचिए अगर आपने 4 के जगह 10 लोग लाए तो, 4 के जगह 40 लाए तो, 400 लोग लाए तो आप केवल 4 लोग ला सकते थोड़ी, आप केवल 4 ही लोग को जानते हैं ऐसा थोड़ी है, तो आप तो बहुत सारे लोगों को जान सकते हैं। तो यहाँ पर इतना बढ़िया पोर्टफोलियो सिस्टम ने बनाया है, नेटवर्क सिस्टम बनाया है कि आप इसमें से कई गुना मतलब रिटर्न आप ले सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। वर्किंग भी लिमिटलेस है और नॉन वर्किंग भी लिमिटलेस है। वहां पर जो रीजनरेशन का पैनल डाला गया है आपको बहुत बड़ा इनकम मिलने वाला है। तो ज्वाइनिंग के साथ जो E5 का ऑटोपुल मिलने वाला था वो तो हमने देखा,
प्लस सिस्टम में जो दूसरा ऑटो पुल है उसको लेने के लिए आपको पांचवा स्लॉट जाना पड़ेगा सिस्टम में। एक व्यक्ति को जैसे ही कराएंगे लगभग 5000 के आसपास अभी चल रहा है अमाउंट की, पांचवा स्लॉट तक जाते जाते 5000 रुपए के आपका INR में खर्चा होगा। तो यहाँ भी पांच की मैट्रिक्स काम करती है ग्लोबली, दूसरे और चौथे व्यक्ति का फंड आपको मिल जाएगा, पहला तीसरा पांचवा सिस्टम में वहां के अपलाइन को चला जाएगा। पॉइंट टू BNB आपको पहला ही ऑटो पुल यहाँ पे। दोस्तों ऑटो पुल भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, छोटा ऑटो पुल यहाँ पे नहीं है। जितना आप लगाएंगे, मान लेते हैं आपने शुरुआत 500 रुपए से की, तो देखिए ऑटो पुल भी आपको 0.0 बना देता है। लेकिन अगर आप पांचवें स्लॉट से करते हैं, लगभग 5000 से स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू से, तो आपको पहले ही ऑटो पुल पॉइंट टू BNB मिल जा रहा है। पहले ही ऑटो पुल में आपका मूलधन बाहर हो जा रहा है, दूसरा ऑटो पुल से फिर प्रॉफिट शुरू, पॉइंट सिक्स BNB आपको दूसरा ऑटो पुल मिलेगा, तीसरा ऑटो पुल से यहाँ पे चार चार आईडिया रिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी जब तक तीसरी आईडी आएगी तब तक वहां पे दो आईडी रिजनरेट हो जाएंगे, चौथे ऑटो पुल में जब तक आपका चौथा ऑटो पुल आएगा तब तक जो नई आईडी रिजनरेट हो उसमें भी ऑटो पुल आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम आपको ऑटो पुल आते रहेंगे और इस तरह से आप लाइफ टाइम इनकम बनाते रहेंगे। टोटल 144 BNB E5 प्लस से मिलता है। INR में अगर बात करें 25000 से अगर एक BNB है तो भी 36 लाख रुपए मैंने बताया शुरुआत में भी। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, फुल्ली कैलकुलेटेड मेथड है। सब कुछ फेल हो सकता है, थ्योरी फेल हो सकता है, लेकिन मैथ कभी फेल नहीं हो सकता दोस्तों। एग्जैक्टली आपको इतना मिलेगा, पूरी दुनिया काम कर रही है, आगे भी करते रहेगी, रीजनरेट होता रहेगा, आपको इनकम मिलता रहेगा। ये कोई हवा में बात किया हुआ बात नहीं है, हवा में कोई बात नहीं किया गया, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना हुआ है, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सिस्टम नॉन स्टॉप कभी ना खत्म होने वाला बनाया गया है। जो 16 ID रीजनरेट होगा उसमें भी सेम स्ट्रक्चर चलेगा, उसके भी ऑटो पुल आएंगे, उसके भी जब जब तीसरे ऑटो पुल आएंगे तो वहां से भी चार चार आइडिया रीजनरेट होंगी। तो 16 अपने पीछे पीछे 16 ID रीजनरेट के 256 आइडिया बन जाएगी, वो 256 बनेंगे तो अपने पीछे पीछे 16 आइडिया बनाएंगे तो 4096 बन जाएंगे। तो सोचिए फ्यूचर में कितना बड़ा इनकम आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये सब कैसे होगा, पहले एक शुरुआत से, पहले कदम से, जो स्टार्टिंग आपने 500 रुपए से किया। तो ये सिस्टम का दूसरा ऑटो पुल है। अब चलते हैं तीसरे ऑटो पुल EG4 पे। EG4 काफी इजी है, यहाँ तक जाने के लिए आपको छठा स्लॉट करना है, आसपास लगभग 10000 के INR में खर्चा होता है, 0.4 के आसपास आपके पास रहना चाहिए, तो आप डायरेक्ट छठा स्लॉट कर सकते हैं। EG4 चार की मैट्रिक्स में काम करते हैं, आपने देखा E5 E5 प्लस पांच की मैट्रिक्स पे, EG4 चार की मैट्रिक्स पे, तो E5 E5 प्लस से जल्दी जल्दी आपको EG4 आएगा। यहाँ पे दूसरे चौथे व्यक्ति का फंड आपको मिल जाता है ग्लोबली, और पहला तीसरा वो सिस्टम में वहां के अपलाइन को चला जाता है। तो इस तरह से पहला ही ऑटो पुल यहाँ पे 0.4 BNB। देखिए दोस्तों, हमने आज तक जितने भी वर्क किए हैं उसमें ऑटो पुल आते थे $2 $5 $10, इस तरह से छोटे छोटे अमाउंट आते हैं। यहाँ पहला ही ऑटो पुल 0.4 BNB, 0.4 BNB की वैल्यू करें तो लगभग 10000 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पे छोटा मोटा अमाउंट नहीं आता, बड़ा बड़ा अमाउंट आता है। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरा ऑटो पुल 0.8 BNB, तीसरा ऑटो पुल 1.2 BNB, और दो दो आइडिया रीजनरेट हो जाती है तीसरे ऑटो पुल से। तो EG4 में 10 किस्तों में आपको 610 BNB मिलेंगे, और 610 BNB जब तक आएगा तब तक 16 नई आइडिया फिर तैयार हो जाएंगे। आप कैलकुलेट करिए, जब तक हमारी चौथी ऑटो पुल आएगी, ये जो दो आईडी रीजनरेट हो रही इसमें भी तो ऑटो पुल आएगा फर्स्ट राउंड, जब तक हमारी पांचवा ऑटो पुल आएगा तो ये जो दो आईडी रीजनरेट हुए, दो दो चार आईडी, तो इनमें भी तो पहला दूसरा राउंड आना शुरू हो जाएगा। तो जब जब हम ऑटो पुल आते जाएगा तो इन आईडियों में भी तो लगातार इनकम आता जाएगा। तो लाइफ टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा इनकम पैकेज छुपा हुआ है, तो इसको समझिए। अगर आप आपका दिमाग कैलकुलेट नहीं होता है तो जो आपको जिन्होंने इस सिस्टम में लाया है उनके जो बातें हैं उनको समझ करके अपना पैसा डाल दीजिए। एक बार इस सिस्टम पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपने लाखों रुपए गंवाए हैं, अगर ये सिस्टम आपको मिल गया है तो डेफिनेटली आपको ये सिस्टम में आना चाहिए, ये सारे रिकवरी कर देगा आपको। ऊपर वाले ने एक हिंट दिया है, अगर इसको भी आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो चौथा फाइनल ऑटो पुल E3 प्रीमियम। E3 प्रीमियम को पाने के लिए आपको हमारे वर्किंग जोन में 12वां स्लॉट जाना पड़ेगा और एक व्यक्ति को 12वां स्लॉट कराना पड़ेगा। E3 प्रीमियम एक कदम और आगे है, ये तीन की मैट्रिक्स में काम करता है, E5 E5 प्लस पांच की मैट्रिक्स पे, EG4 चार की मैट्रिक्स पे, E3 प्रीमियम तीन के मैट्रिक्स पे। ये और जल्दी ऑटो पुल आता है और इसमें बड़े बड़े ऑटो पुल आते हैं दोस्तों। तीन के मैट्रिक्स में हर दूसरा व्यक्ति आपको फंड मिल जाएगा और पहला तीसरा वहां के अपलाइन को चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे
ग्लोबल ऑर्डर पूल में तीन का मैट्रिक्स चलता है तो पांच पांच बीएनबी से कंट्रीब्यूशन होता है। तो सोचिए पांच बीएनबी के तीन लोग हैं तो 15 होगा, 15 में से 10 ऑटो अपग्रेड चलाता है और पांच बीएनबी आपको मिल जाता है पहला ऑटो पुल, दूसरा ऑटो पुल 10 बीएनबी, तीसरा ऑटो पुल 15 बीएनबी और एक एक आइडिया यहाँ से भी रिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मात्र पांच किस्तों में 300 बीएनबी आपको मिल जाता है और तीन आइडिया फिर से रिजनरेट, वो तीन में फिर आएगा ऑटो पुल। तो ये सिस्टम आपको इतना बीएनबी देगा, इतना बीएनबी देगा कि आप उसको रख नहीं पाएंगे। इस सिस्टम में इतना बीएनबी है पावर, बशर्ते कि आपको ये अचीवमेंट करना पड़ेगा, आपको वर्क करके इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा और आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों की इनकम यहाँ पे छुपी हुई है। ये तो केवल एक एक ऑटो पुल का स्टेटमेंट बताया गया, एक साइकिल में आप 111 बीएनबी कमाएंगे, एक ऑटो पुल E5 का 7.2 बीएनबी मिलेगा, एक ऑटो पुल E5 प्लस का 144 बीएनबी, EG4 में 610 बीएनबी, E3 प्रीमियम 300 बीएनबी। तो सबका एक एक ऑटो पुल लेके चले तो भी आपको लगभग 3 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, लेकिन अगर आप 1 से 12 स्लॉट तक जाएंगे ना तो उस क्रम में 17 आइडिया E5 प्लस की खुलेगी, 3 आइडिया EG4 की खुलेगी, तो लगभग 10 CR के आसपास आपका पैकेज वहां बन जाता है पैसिव इनकम में। तो बहुत बड़ा सिस्टम है, आप इसको ग्रैब करिए, हाथ से जाने ना पाए मौका। वर्किंग पे ध्यान दीजिए, आज काम करेंगे तो फ्यूचर में वो इनकम नॉन वर्किंग आएगा ही आएगा, नॉन वर्किंग के भरोसे मत रहिए, वो फ्यूचर में आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन आप वर्किंग करके उससे कई गुना बेटर इनकम आप बना सकते हैं वर्क करके, ठीक है। ये सिस्टम में जो रीजनरेशन का तड़का लगा है उसको आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम इनकम आने वाली है। एक आईडी कंप्लीट होगी तो E5, E5 प्लस, EG4 का हर एक आईडी अपने पीछे पीछे 16-16 आइडिया रिजनरेट करके जाता है। E3 प्रीमियम अपने पीछे पीछे 3-3 आइडिया रिजनरेट करता है, वहां पे बड़े बड़े अमाउंट आते हैं, इसलिए 3-3 आईडी भी काफी है। तो ये रिजनरेशन का सिस्टम छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, मैंने बताया 16 आईडी कंप्लीट हो तो अपने पीछे 16-16 256 आइडिया बना देगा, 256 आइडिया अपने पीछे 4096 आईडी बना देगा। तो ये तो आपके लिए बनेगा। अभी सोचेंगे कई लोग कि पहले जो लोग आए उनको ज्यादा प्रॉफिट बाद में आएगा, उनको नहीं मिलेगा। आप इमेजिन करिए एक आईडी सिस्टम में अगर कंप्लीट होता है तो 16 आईडी बनता है, तो अगर 1000 आइडिया अगर कंप्लीट होगी तो 16000 आईडी बनेगा ना, ठीक है। और 100000 आईडी अगर कंप्लीट होगा तो 16 लाख आइडिया तो जनरेट होगी ना, तो ये 16 लाख आइडिया किसके नीचे जाएगी, जो बाद में आए हुए लोग हैं उनको आएगा। तो यहाँ पर बाद में भी जो भी आएगा तो उसको भी प्रॉफिट मिलने वाला है, ऐसा सिस्टम में डिजाइनिंग किया हुआ है। तो बिल्कुल ना घबराएं, जो पहले आए हैं वेल एंड गुड, काम करेंगे तो इनकम आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। नॉन वर्किंग जो आएगा समय के साथ आपको मिलेगा, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर काम कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ मिलने वाला है। तो ये सिस्टम है, फ्यूचर प्लानिंग भी है, कुछ ईवीआर पॉइंट अभी मिल रहे हैं। पहले 25,000 लोग जो EG4 क्वालिफाई करेंगे उनको 250 ईवीआर पॉइंट मिल रहा है। पहले 1000 लोग जो E3 प्रीमियम तक पहुंचेंगे, 12 स्लॉट तक करना है, एक व्यक्ति कराना है, उनको 5000 ईवीआर पॉइंट मिल रहे हैं। एक एक ईवीआर पॉइंट $1 के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे लगभग $5,000 सिस्टम आपको एज ए रिवार्ड के तौर पे दे रही है। जो फ्यूचर में ईवीआर पॉइंट लॉन्च होगा तो उस समय आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ईवीआर पॉइंट है, इसको आप ग्रैब करिए, आपके फ्यूचर के लिए ये बेहतर हो सकता है। इसके सिस्टम के अलावा आप केवल पैसा ही नहीं कमाएंगे, अपने घर परिवार के लिए सिक्योरिटी भी रख सकते हैं सिस्टम में। चेकअप फाउंडेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है। आप यहाँ पर 4 डायरेक्ट सिस्टम में लगा करके $5 के मेंबर फीस के साथ इस जेका फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे ही आप इसका हिस्सा बनते हैं 5 ईवीआर पॉइंट भी मिलता है और हर साल $3-3 का रिन्यूअल आपको करना है, तो आपका ये पॉलिसी चलता रहेगा। अभी इसमें क्या बेनिफिट है, 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट इज ए पार्ट ऑफ जेका फाउंडेशन, ठीक है। If any JECA Foundation member die, each member of JECA Foundation will give a $1 as a donation to the family of the deceased member. अगर कोई गुजर जाता है उस member को हर JECA Foundation का member $1 का दान देता है और minimum 50 USD system देता है, JECA Foundation देता है। तो imagine करिए, अगर सिस्टम में 10,000 लोग भी जेका फाउंडेशन के हैं, हर व्यक्ति $1 भी देगा तो उस परिवार को $10,000 का रिवार्ड यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी हो जाती है दोस्तों। लोग LIC कराते हैं,
साल में बहुत अच्छी मोटी खासी रकम देते हैं तो भी 10 लाख का पैकेज नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी कम्युनिटी मिलकर के एक दूसरे को हेल्प कर रही है। तो अक्सर आपने सुना होगा किसी से 1 लाख मांगिए वो नहीं देगा, लेकिन एक एक रुपये सबसे मांगिए वो 1 लाख लोग एक एक रुपये आपको देंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आजमाया गया है कि हर व्यक्ति 100 रुपये भी देगा तो भी आपको आपके घर पे बहुत अच्छी रकम आने वाली है। तो ये सिस्टम को यूज करिए, ये आपके बाद आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। ये किसी के प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये लोगों की मदद करने के लिए है। तो आप भी अपने दिल में मदद की भावना लाइए, जब कोई गुजरे तो आपको भी हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि इसमें ग्लोबल फैमिली डे फैमिली का फॉर्म भर के आप भूल गए, नहीं, जब कोई गुजरेगा तो आपको भी देना पड़ेगा। आप देंगे तभी आपको इस बेनिफिट का फायदा मिलेगा, अगर आपने नहीं दिया, किसी को सपोर्ट नहीं किया तो आपको भी नहीं मिलने वाला है। तो दान देने के लिए हाथ बढ़ाइए, लेने के लिए तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं, हमारे परिवार को मिलेगा, दान देंगे तो लोगों आपको भी मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मदद कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। तो दूसरा प्रोजेक्ट है इसमें बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, इसमें आपको अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो फंड हमारा सिस्टम देगा, आप उस बिजनेस से उस पैसे से बिजनेस करिए, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में शेयर करेंगे सिस्टम से, आपको उसका इंटरेस्ट भी नहीं देना है। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें से आप 35% आपका रहेगा, 30% इन्वेस्टर का रहेगा जिन्होंने पैसा लगाया, 20% जे का फाउंडेशन में आएगा और 10% विक्टर क्लब में जाएगा। ये विक्टर क्लब क्या है? विक्टर क्लब इज अ ग्रुप ऑफ अचीवर हु हैव क्वालिफाई एवरग्रीन E3 प्रीमियम। तो जो लोग E3 प्रीमियम अचीवमेंट करते हैं वो विक्टर क्लब का हिस्सा बन जाते हैं, और उनको इस सिस्टम के माध्यम से जो भी लोग जेका फाउंडेशन भरते हैं यानी $5 पेड करेंगे ही पड़ेंगे, तो उनसे $1 यहाँ पे आता है विक्टर क्लब में। जो पुराने हो जाएंगे वो रिन्यूअल करेंगे, उनसे भी $1 यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे 10% विक्टर क्लब बिजनेस प्रोजेक्ट फंड से आ रहा है वो भी यहाँ पे आएगा। तो जो भी फंड यहाँ पे कलेक्शन होगा हर महीने सबको जोड़ करके, और जितने भी लोग जेका विक्टर क्लब में रहेंगे सभी को बराबर मात्रा में बांट दी जाती है। तो इस तरह से लाइफ टाइम आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी एज ए समझिए तो आने वाली है। तो जेका फाउंडेशन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। पूरा सिस्टम ट्रस्ट वॉलेट से ऑपरेट होता है, ट्रस्ट वॉलेट का 12 शब्दों का कोड आपको 2-3 जगह लिख के रखिए, डायरी में तो लिखिए, एक कागज में लिख के लिफाफे में डालिए, उसको अपने तिजोरी में डाल दीजिए कि अगर आपका मोबाइल खो जाए गुम हो जाए तो भी आप आने वाले समय में रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि सारा इनकम उसी ट्रस्ट वॉलेट में आने वाला है। तो आशा करता हूँ ये माइंड ब्लोइंग सिस्टम आपके जीवन को बेहतर करेगा। आप अगर इनकम से लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस सिस्टम को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, काम करने से ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। काम नहीं करेंगे केवल सोचेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। समंदर किनारे खड़ा होकर के मोतियाँ नहीं मिला करती हैं, आप जब तक गोते नहीं लगाएंगे आपको मोती नहीं मिलेगी, और नहीं तो एक बड़े इन्वेस्टर को हायर करिए जो उसमें जाए समंदर में आपके लिए मोती खोज के लाए। तो उसके लिए भी आपको हायर करना पड़ेगा, लोगों को फंड देना पड़ेगा, या आपको अपने लिए टीम में नए लोगों को लाना पड़ेगा। तो लोगों को लाइए, जितना ज्यादा लोग रहेंगे आपके लिए उतना ज्यादा मोती निकाल के लाएंगे। तो दोनों ही केस में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये रहा शानदार सिस्टम, और ये सिस्टम को जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर 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 और बेहतर होते जाएंगे, और पैसे से भी और समय से भी। जब आप ढेरों पैसे कमा लेंगे तो समय की आज़ादी रहेगी आपके पास, आप कहीं भी घूमिए फिरिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, जितने चाहे उतने पैसे आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट पे, अपने सपनों पे, अपने घर परिवार पे, अपने समाज पे, अपने देश पे। तो ढेरों पैसे कमाइए, टैक्स भी भरिए, 100% आपको टैक्स देना है, जितना भी टैक्स देंगे उतना जितना इनकम होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स भी भरना है। तो हर साल आप अपना ITR भरते रहिए और इनकम लेते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ओवर टू यू, जय हिंद, जय भारत, जय एवरग्रीन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।
थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।